मम्मी जी ये आपके लिए। पापा जी सोनू और मेरी तरफ से। ये करने की क्या जरूरत थी? ठीक है दे दे वापस कर आते हैं। घड़ी है मेरी माँ के घर में भी ऐसी घड़ी थी। पता है बचपन से मैंने सपना देखा था कि जब मेरा अपना घर होगा ना तो ऐसी घड़ी रखूंगी मेरे घर में। तुम लोगों ने मेरा सपना पूरा किया। थैंक यू लव यू थैंक यू। बस बस डॉली खुशी का मौका है बर्बाद मत कर उसे। इतनी महंगी घड़ी? रसीद गलती से अंदर रख। 21,000 की घड़ी? 21,000 की घड़ी? 21,000 की घड़ी? आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं? एक मिनट, तूने मुझसे और पापा जी से तो 2,000 का ही कंट्रीब्यूशन लिया था। इसका मतलब तूने खर्चे बाकी सारे 1,000। अबे ले आराम से बैठ जा, तेरी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता किसने कितने 1,000 दिए। हाँ मतलब तुम दोनों ने सिर्फ 2,000 दिए और मेरे मोनू ने 17,000। हाँ वही 17,000। देख डॉली मेरे से तो मोनू ने जितने मांगे ना मैंने दे दिए, मतलब दे दूंगा तेरे अगले जन्मदिन तक। तू साबित क्या करना चाहता है ज्यादा पैसे खर्च करके? हाँ कि तू वालिया परिवार का हीरो है, सब कुछ तूने संभाल रखा है ना? सुनू मैं कुछ भी साबित नहीं करना चाहता हूँ, गलती से रसीद डिब्बे में रह गई। ओ अच्छा अच्छा, उप्स सॉरी मम्मी जी, वो गलती से रसीद रह गई। लेकिन देखा आपने मैंने सोनू से ज्यादा पैसे खर्च किए, तो इसका मतलब मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ। हूँ ना मैं आपका श्रवण कुमार? लेकिन सुन ले मम्मी जी पापा जी जब अंधे हो जाएंगे ना तो मैं उन्हें टोकरी में बिठा के ले जाऊंगा वर्ल्ड टूर पे। चप्पड़ गंजू इसको अंधा कर मेरे को क्यों अंधा कर रहा है? और याद रख दुनिया में ऐसी कोई टोकरी नहीं बनी जिसमें जसबीर दी वालिया दी ग्रेट बैठ सके। हाँ और इसलिए पापा जी और मैं तुझे अपना पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन दे देंगे। नहीं बेटा मैं अंधा ही ठीक हूँ, टोकरी में बैठ जाऊंगा। नहीं पापा जी मुंह पे फेंक के मारेंगे पूरे 7,000 रुपए। भाई सुनू तू थोड़ा रिलैक्स करेगा, 2,000 पहले दे चुका हूँ और बाकी बचे 5,000 रुपए। पता है 5,000 दे दूंगा। ठीक है मुंह पे मार मेरे पैसे और बंद कर अपना रोना धोना। मारूंगा ना तेरे मुंह पे पैसे। अरे यार अच्छाई तो कर ही नहीं सकते। चुप करो, ये घड़ी नहीं है, दुखों का टाइम बम है। मतलब जब भी मैं घड़ी में टाइम देखूंगी ना तो घड़ी घड़ी तुम लोगों की लड़ाई याद आएगी। नहीं चाहिए मुझे घड़ी, वापस कर। हाँ ये सही कह रही मम्मी जी, वापस कर दो इस घड़ी को, ये ही ठीक रहेगा। मम्मी जी प्लीज आप ये घड़ी रख लीजिए। ये घड़ी नहीं है, श्राप है श्राप। मैंने कहा ना आप इसे रख लीजिए। इसे ढूंढने के लिए मैंने दिल्ली की हर मार्केट की खाक छान मारी कि आपको वो घड़ी मिले जो आपके पास बचपन में थी और आपका बर्थडे स्पेशल हो जाए। जूते घिस गए, 2 किलो वजन कम हो गया इसको ढूंढने के लिए और आप कह रही है वापस कर दे। हाँ नहीं कभी नहीं, आप इसे रखेंगी और आप इसे पसंद भी करेंगी। अच्छा मतलब तुम दोनों ने इसे घड़ी ढूंढने के लिए भी मदद नहीं की? हाँ नहीं मतलब वो मोनू बेटा हरामखोर, तूने पैसे ज्यादा दिए सिर्फ ये बताना काफी नहीं था? अरे सब चाल है पापा जी, इसकी हीरो बनना चाहता है ये। अबे काय का हीरो, कॉमेडियन है। क्या बकवास है, मुझे ना ये घटिया घड़ी लानी नहीं चाहिए थी। अच्छा अब माँ के लिए कुछ करना बकवास लगने लगा तुझे? नहीं मम्मी जी। घमंडी ले जा अपनी घड़ी वापस, नहीं चाहिए मुझे। Bum 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 b